निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शरीक हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी इस इजलास में शरीक हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहरयार बताइएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, ये इजलास इस वक्त ऐवान वज़ीर आज़म में जारी है। इजलास में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सर्विसेज चीफ और उसके अलावा निगरान वजीर खारजा, निगरान वजीर खजाना और इंटेलिजेंस इदारों के हुकाम जो है वो शरीक है। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया जा रहा है। आज तवक्को की जा रही है कि इस हवाले से अहम फैसले होंगे और इस इजलास में आज वजारत खारजा के हुकाम जो है वो कौमी सलामती कमेटी के हवाले से अहम ब्रीफिंग देंगे। ठीक है, शहरयार खान आपका बहुत शुक्रिया।